नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। विधानसभा उपचुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी समर में उतार दिया है। स्टार प्रचारक चुनावी बाजी को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगे हुए हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि जहां तक सोशल मीडिया की बात है तो भाजपा विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेसियों से आगे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक वसुंधरा राजे के इतने फॉलोअर्स हैं जितने गहलोत और पायलट के मिलाकर भी नहीं है। सोशल मीडिया की और युवा वोटर ज्यादा आकर्षित होता है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सहाड़ा और राजसमंद सीटों की कमान अपने हाथों में ले ली है। कांग्रेस किसी भी सूरत में बीजेपी के किले को भेद कर राजसमंद सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। राजसमंद सीट पर मार्बल खान ज्यादा होने के कारण कांग्रेस ने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को भी यहाँ मैदान में उतार दिया है। दूसरी ओर बीजेपी के स्टार प्रचारकों में वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बदलते समीकरणों पर नजर आ रहे हैं। उपचुनाव की तीनों ही सीटों पर अपने प्रभार क्षेत्र वाले कई नेताओं, विधायकों, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यदि राजस्थान के टॉप 10 नेताओं की बात करें तो कुल फॉलोअर्स की संख्या के लिहाज से 5 कांग्रेस और 5 बीजेपी के आते हैं। सबसे पहले पायदान पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। उनका किसी से मुकाबला नहीं है। वो राज्य की एकमात्र नेता हैं जिनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लोकप्रियता के पायदान पर दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की तुलना करें तो सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कोसों पीछे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश के टॉप 10 नेताओं की सूची में 7वें नंबर पर हैं, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस सूची में स्थान नहीं बना पाए हैं। पूनिया के तीनों सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 6,64,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया से दूर देखना होगा कि राजस्थान के चुनावी मैदान में कौन बाजी मारता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।